सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जो है मुझे जो कई सारे काम भी करने हैं ढेर सारे, एंड मैंने मेरे दोस्त ने, मैं अभी भी डायमंड आधा नेटराइट में घूम रहा हूँ, मेरे दोस्त ने, इसलिए मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड है, मेरे दोस्त ने जो है ढेर सारा ये लाया है, उसने ढेर सारे नेटराइट के आर्मर्स लाए हैं, वो भी ओपी ओपी फुल इंचार्ज। और ये सब पिस्टन विस्टन ये स्लाइम वाइम इग्नोर करना, बिकॉज मैं तो हूँ थोड़ा सा जुगाड़ू। मैं फिर से कोई प्लेन वाला मशीन के लिए सर्च कर रहा था। हाँ हूँ थोड़ा सा मैं पागल, जो क्रिएटिव वर्ल्ड के जगह सर्वाइवल ही वर्ल्ड में प्लेन्स बनाता है और उसका टेस्टिंग करता है। मैं सही कब तो मैं सर्वाइवल वर्ल्ड में ही चीज़ें बना रहा हूँ आजकल मैं ढेर सारी, तो इसलिए। एंड यहाँ पे मेरे पास पॉइजन एरो, अभी भी मेरे पास फुल नेदराइट आर्मर नहीं हुआ है, मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करूँ भाई, मैं नूब हूँ और जल्दी से नहीं मिल रहा, तो वुड है वुड का मैं क्या करूँ। मैं सोच रहा हूँ एंड में आज मैं भी जाऊँ और एंडर ड्रैगन को मारूँ, एंड में तो एंडर ड्रैगन से लड़ना पड़ेगा, तो क्या आज लड़े बोलूँ भाई? क्यों भाई, एंड में तो एंडर ड्रैगन को दोबारा स्पॉन करेगा भाई, हम लोग एंड सिटी पहले लूटते हैं कि दोबारा स्पॉन करते मारेंगे। एंड सिटी तो हमने लूटी ही थी, लेकिन एंड सिटी फिर से दोबारा, लेकिन वो सब करने से अच्छा है। और ये यहाँ पे हमें एक सस्ता गोलम दिख रहा है, चलो किना मार के थोड़ा आयरन ले लेते हैं। ले ले दूबरा, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब। और इसको मैंने काफी जल्दी मार भी दिया और कितना सारा आयरन दिए देखता हूँ भाई, अच्छा लूट दिया है। 5 आयरन मैक्स है, रिसोर्ट पे लूटिंग है शायद, पता नहीं। नहीं शार्पनेस 4 है गाइस, लेकिन लूटिंग तो मैं खुद ही नहीं लगा रहा, मैं तो मैंने उस बेचारे गोलम को, वो कुछ नहीं कर रहा था, अपना काम कर रहा था, मैंने गया उछल उछल के 2 बार मारा, खत्म। तो ये गोलम तो मुझे याद आया कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, विलेजर कोई नहीं है, और यहाँ पे मुझे प्लेजर शायद दिख रहा है, यहाँ कहीं तो मेरे को प्लेजर लग रहा जैसे कि हो, बिकॉज हाँ मैंने भी प्लेजर देखा था थोड़ी देर पहले। मैंने अभी एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखा, मुझे लगा कि वही किसी का, ये स्ट्रक्चर मैंने देखा था, मैंने इग्नोर कर लिया था। यहाँ पे प्लेजर्स के लिए खैर से भागो यहाँ से, मारने लगे हैं। नहीं गाइस मैं लड़ता हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, छोड़ो ही नहीं इनसे लड़ने के चक्कर में कहीं। एंड ये हाँ ये क्या है, लावा रग, ये क्या होता है भाई, क्या स्पॉन, क्या था स्पॉन बिल, पता नहीं क्या था यार स्पॉन बिल। अबे यार ये कौन है, ये लोग यहाँ पे क्यों आए, वही तो मैं आजकल बहुत सुन रहा हूँ कि आजकल विलेजर्स का अटैक हो गया विलेज में, मैं तो सोचता हूँ ये सब फेक है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। और चारों तरफ लावा, ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है, आज मैं कैसे लगूँ, इसके अंदर कोई है तो नहीं ना, खतरनाक प्राणी। ओए ओए ये कौन है, ओ गॉड, हेवी बुल, सब हेवी बुल है, ये फ्री वॉकर है, खत्म हो जाएगा मेरे सोर्स से, लेकिन इसे ज्यादा हिट लगे, 4 हिट मार दिया मैंने, लेकिन अभी तक मरा नहीं है, कुछ तो है इसके पास, ऐसा गायब हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो रही है इस वर्ल्ड में, मुझे नहीं पता जो भी हो रहा है, ऐसे ढेर सारे स्ट्रक्चर्स में देख रहा हूँ, वो जिन्हें सोचता था किसी विलेजर का घर होगा, विलेजर का घर होगा, लेकिन मैं समझता था भाई ये तो विलेजर का घर होगा, नहीं तो मेरे कोई दोस्त का ऐसे ही घर होगा, लेकिन यार इनका तो भाई क्या क्या कौन कौन है भाई ये लोग, मुझे अब कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, मुझे पता लगाना। और यार इतने सारे विलेजर रोड पे घूम रहे, स्ट्रक्चर कौन कर रहा है ये सब, मैं भी फिर से एक्सप्लोर में इसी क्लास तो सोई हूँ। और ये रहा ये वो ये मर भाग गया, मैं इतना तेज है भाग रहा कैसे, तू मर यहाँ पे, वो कर भी पड़ा है सर, वो डायमंड डायमंड पीस, ये डायमंड की पीस शायद मेरे पास होगी, वो छोड़। एंड ये कौन है स्पॉन पील, पता नहीं कौन है का स्पॉन पील। एंड अब हम लोग वो आता फिर लॉक लग गया, तो कोई लॉक है बस पावर प्रोड्यूसिंग चीज नहीं है, और जो स्ट्रक्चर होगा उससे कुछ तो पावर प्रोड्यूस जरूर ही होगा, तभी वो सब आ रहे होंगे, पावर प्रोड्यूसिंग होगा, पावर प्रोड्यूसिंग एक बीकन के जरिए हो सकता है, नहीं तो
टीएनटी ब्लास्टिंग होते रहेगा एक ही जगह पर, लेकिन वो टीएनटी ब्लास्ट में कुछ डैमेज होगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, और भी काफ़ी सारे से पावर प्रोड्यूस हो सकते हैं। और भाई ये सारे प्लेजर्स कहाँ से आ रहे, इसमें से आ रहे, यहाँ पे भी वो करे, इसे तो मैंने हवा भी मार दिया गया, इसे हवा भी मर गया। तब मेरा पॉडेस इस बात से समझ सकता है कि मैं इतना तेज स्पैम क्लिकिंग करता था कि मॉब को हवा में ही। ये भाई ये किसी पे और ये कौन है कि अबे केबम, क्या नाम है उसका, केबम पता नहीं कौन है। अरे ये क्या आर्मर कब से पहनने लगे, मैंने तो कभी नहीं आर्मर के प्लेजर नहीं निकल, मर 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 तुम मर। ये लोग बड़ा इरिटेट कर, और ये ले पॉइजन की एरो की बरसात मर। और भाई इसने भी कुछ आर्मर में पीसेस दिए, आयरन का आर्मर है, सस्ता आर्मर है। ओ भाई ये तो अच्छा लग रही है, ये देखने में तो अच्छा लगता है आयरन की पैंट, मैं अपनी पैंट बदल के ये वाली ले लेता हूँ। ये सभी चोरी का माल ज्यादा बेहतर मुझे लगता है, देखता हूँ इसमें एक बार कैसा लग रहा। वैसे तो मस्त लग रहा हूँ, बैक से फ्रंट से जरा देखूँ तो यहाँ पे भी बेहतर है, सस्ता लग रहा है। आई थिंक गाइस ये सब बेकार चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, पागल वाली चीजें क्यों करता हूँ, ये सारी फालतू का टाइम वेस्ट। चलिए गाइस अब मैं इसे रख देता हूँ, बेकार से जिसको फेंक देता हूँ, बिकॉज रेड से लूट लाया है तो भाई चोरी कर मार के लाया, तो इसे अपना ऐसा रखूंगा कि भाई मैंने क्या, कोई जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें इस ऐसा मैंने एक और स्ट्रक्चर सुना, तो और भी हो सके इसके पास ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर से अजीब अजीब, इसके आसपास लावा नहीं है, और ये स्ट्रक्चर जिस कैसे बनाए कोई सकता है यार, प्लेजर आर्मर पहन रहे, ये हो रहा है अजीब चीजें। और मेन बात गाइस यहाँ पे ये आता है कि कोई ऐसा बंदा नहीं होता था कि ऐसे स्पॉन कर सकता है विदर, जो जिसमें प्लेजर राइड कर रहा हो, वो सिर्फ फ्रेड ही में आते हैं, नहीं तो ऐसे प्लेजर आउटपुश उस पर भी काफी कम चांसेस होते हैं। मुझे ऐसा कुछ गड़बड़ तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है इस इलाके में, और मैं यहाँ पे अपना IQ 5000 का अप्लाई करूंगा। पहले तो यहाँ पे हम ब्लॉक्स बना लेंगे, और मेरा 5000 IQ तो काम करना ही चाहिए। देखो मैं 5000 IQ इसलिए कहा देता हूँ, मैं प्रो हूँ, प्रो ऐसे वो हूँ नहीं, मैं वैसे कोई दिक्कत गैस तो है नहीं, बिकॉज हम लोग जो क्रिएटिव से सामान लाते हैं ब्लॉक ला लेंगे क्रिएटिव से, तो हमें क्या दिक्कत है ना, ऐसे भी हम तो क्रिएटिव से सामान लाने वाले हैं ना, मजाक कर रहा हूँ भाई, इस बात को सीरियस मत ले लेना। आगे बढ़ता रहते हैं, एंड पार्कोर किंग मेरा नाम ही है। ओए मुझे लगता है कि ये पीसी मुझे नूब बना दिया उल्टा, क्योंकि मोबाइल पे मैं ब्रीचिंग अच्छा से कर लेता हूँ, लेकिन ये पीसी पे क्यों नहीं हुआ स्पीड ब्रीचिंग। ये ढेर सा एक तो यार मुझे इस वर्ल्ड में कोई प्लेयर भी नहीं आया है, वो ही तो बैठ DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them turn up the bass. और मेन बात तो ये आता है कि रैविजर पे प्लेजर बैठा हुआ था, और ये ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता जो प्लेजर बैठा सकता है रैविजर पे विदाउट एनी क्रिएटिव मोड, और उसमें कोई क्रिएटिव को यूज किया नहीं है। एंड यार मैं ही उस वर्ल्ड में हम, एंड मेरे अलावा तो कोई है नहीं, इनफैक्ट मेरा कोई दोस्त भी नहीं है इसमें। इसमें बस मैंने मल्टी प्लेयर भी ऑफ रखा है, तो समझ सकते हो कोई हैकर नहीं, हैकर नहीं आया होगा, मैं साइन भी नहीं कर रखा हूँ कि कोई हैकर आ पाए इसके अंदर। एंड ये पता नहीं एक जगह पे ऑफ किया था, एंड भाई कुछ गड़बड़ है, यहाँ से पावर प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज यहाँ से ऐसा अजीब सा आवाज आ रहा है बीकन वाला, मतलब यहाँ से शायद पावर प्रोड्यूस हो रहा है, अभी कहीं से भी पावर पड़ी, लाल वाला ब्लॉक है, पता नहीं इस समय आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, हाँ काफी दिक्कत क्रॉस कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे भी शायद मुझे लग रहा कोई ओ विदर स्केलेटन, भाई डायमंड सोर्ड वाला यार कूल ही नहीं है इस आते इस वर्ल्ड, मुझे लगता है पक्का हीरोब्राइन आया है, और ये अच्छी आर्मर मिल रही है तो रख लेते हैं।
कभी भी फ्री का माल को नहीं छोड़ना चाहिए। एंड इस नेदरराइट सूट के अंदर तू नहीं है पावर, मेरी वाली सूट ओपी है। ये क्या है ट्रैप डोर? जो ये सब कर इनको मैं अभी मारता हूँ एक सेकंड में। और ये लो बहुत पता है पॉइजन वाले एरो भी बहुत हार्ड कर देंगे इनको। तो यार ये तो खतरा, अभी इनको डैमेज शायद नहीं हो रहा बिकॉज मेरा एरो ये सोने होंगे बस मैं ही, लेकिन इन सब मुझे लगता है कि हो रहा नहीं हो रहा। सारे एरोज मिले मरता तू भी। और यहाँ पे बस बट ये चेस्ट में क्या होगा? ओ भाई गोलम हेड, अब तो मैं गोलम स्पॉन कर पाऊंगा। मतलब अब मैं जाऊंगा बेडरॉक मूविंग के, अब मेरे अब को तो जल्दी बेडरॉक गोलम बनाऊंगा। अब मेरे को बस एक ट्रिक, हां हम लोग क्रिएटिव से गाइस लाते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? मजाक कर रहा हूं, इसे सीरियस मत ले लेना तुम लोग। एंड मैं अपने ही इस आर्मर को तोड़ना चाहता हूं, कितना मजबूत है ये। ये आर्मर नहीं टूटेगा, ये ताकतवर आर्मर है। पता नहीं यार उसका आर्मर है तो भाई पावरफुल होगा। और क्रॉल जब मैं वन बाय वन होल से निकला तभी भी मेरा स्पीड तुमने देखा था कितना हाई था भाई। वन बाय वन टेक्निक के बारे में भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना है। और ये गोलम हेड मुझे बहुत, यानी गोलम हेड को ये बहुत ओपी चीज़ है तो, और इसे कुछ कोई चोरी भी नहीं कर सकता। वैसे एक बार इस चेस्ट को मैं देखता हूँ, उसके अंदर मैं रख दूँ वापस से। वैसे चेस्ट में रख दूंगा तो कोई चोरी नहीं निकलेगा। हाँ डर लग रहा है गाइस, मुझे मैं फिर यहाँ पे डाल रहा हूँ चेस्ट को, कोई नहीं लूट सकते, भी बहुत सेफ है, कोई से चोरी नहीं कर सकता है। और अबे ये कौन है? ये कौन ब्लैक